कैन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और जो आने वाला वो सुनहरी भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का, ये हमने सारा जहाँ जानता है इसके बारे में। सर बात की जाए रोजगार की, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, अभी जो हमारे गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, शायद वो ये चीज़ें ना समझ पाए, तो वहाँ तक ये चीज़ पहुँचाने के लिए क्या कुछ स्कीम्स, क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए मैडम, ये जो इतना हमारा जैसे हिंदुस्तान गांवों से बना है, शहरों से नहीं बना है, तो गाँव में हमारे काफ़ी युवा लोग हैं जहाँ पे कि रोज़गार की तलाश है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितनी जॉब अवेलेबल है आजकल सबको मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये इस तरह से एक मॉड्यूल बना हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती, रिलीजन मैटर नहीं करता, कास्ट मैटर नहीं करता, कोई कैटेगरी, कोई रिजर्वेशन मैटर नहीं करती, यहाँ विल टू डू है, जो कुछ बनना चाहता है। और हम गाँव के लोग इस नेटवर्किंग के तरफ काफ़ी अच्छा रुझान हमने देखा है, और जितने भी हमारे ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, ये सब लोग एक स्कीम के तहत नहीं, एक लीगल बिजनेस के तहत पूरे गांव में जा रही हैं और लोगों को एजुकेट कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं, और उससे रोज़गार बन रहा है। लेडीज़ अपने घर का अपना सपना बनाने लगी हैं और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को अच्छा सर्वाइव करा रही हैं। तो स्कीम ना करा के एक बहुत अच्छा लेजिमेट बिजनेस बन गया है ये लोगों के लिए। सर भारत की ही बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड आगे बात करें हम, तो ये इसका जो फ्यूचर है क्या देखा जाएगा कि वर्ल्ड वाइड इतने परसेंट होगा आगे आने वाले 2 सालों में या 4 सालों में? देखिए एज वेल एज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मॉड्यूल इज कंसर्न, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ इसको लेजिमेट किया हुआ है, कानूनन इसको मान्यता मिली हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, और कितनी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, क्योंकि इस बिजनेस को वहाँ पे अगर आपको डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो हाइएस्ट रिचेस्ट पीपल जो अमेरिका में बने हैं, मैक्सिमम पीपल दे हैव कम आउट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का फुल ऑफ